नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूज्य श्री महंत प्रेमदास जी के मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर पहुंचे। वहीं सीएम योगी महंत प्रेमदास की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। उधम सिंह नगर में बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को आपदा के दौरान बचाव की भी जानकारी दी। बता दें कि गदरपुर स्थित एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन द्वारा 20 अप्रैल से 8 मई तक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बस्ती आरटीओ विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को आरटीओ कार्यालय के अंदर एक बाबू और विभाग के कुछ लोग जमकर पीट रहे हैं। दरअसल युवक अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने गया था, जब उससे घूस के तौर पर रकम की डिमांड रखी गई तो उसका वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद आरटीओ के बाबू जितेंद्र यादव और उसके गुर्गे युवक को पीटने लगे। युवक किसी तरह जान बचाकर भागा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बैठक की। वहीं क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। गोरखपुर में पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में डॉक्टर रामचेत चौधरी के अध्यक्ष पीआरडीएफ की अध्यक्षता में गोरखपुर प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता की गई, जहां काला नमक चावल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर रामचेत चौधरी ने बताया कि लगभग 3000 वर्षों से भगवान बुद्ध को प्रसाद के रूप में प्रसादित काला नमक का क्षेत्रफल घटकर विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन एक बार फिर काला नमक धान की खेती और जैविक खेती करने का प्रशिक्षण 11 जिलों में दिया जा रहा है। ये काला नमक चावल जो यहाँ की पहचान है पूर्वांचल की और ख़ासतौर से 11 जिलों की, जहाँ पे कि भौगोलिक सूचकांक है इसका, उसको प्रमोशन के लिए किस तरह से इसको बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के शब्द के माने आप समझोगे जब हम ये कहें कि किसी समय ये विलुप्त हो रहा था। ये 70 के दशक में ये विलुप्त होने के कगार पर था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2000 हेक्टर के पास आ गया था और लोग घाटे का सौदा होते हुए भी शौकीन लोग इसकी खेती करते थे, क्योंकि काला नमक की खेती एक तरह से घाटे का सौदा हुआ करता था। पैदावार कम थी, कोई प्रजाति नहीं थी इसकी, और दूसरी प्रजातियां जो मोटी थी उनको उनसे काफ़ी पैसा किसान को मिलता था, इससे घाटे तो लोग अपने खाने के लिए ही ये उगाते थे। बाजार में काला नमक चावल नहीं मिलता था, वही अवस्था थी इसके ख़त्म होने की। और अब हम लोग अपने प्रयासों से इसको 50,000 हेक्टर पर ले आए हैं, तो ये इसका श्रेय जाता है हमारी चार प्रजातियों को श्रेय जाता है, KN3 बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 और सबसे नवीनतम प्रजाति है काला नमक किरण। तो अब इनकी पैदावार दुगनी है और जो ख़ासतौर से जो बात की आई हुई प्रजातियां हैं इनकी गुणवत्ता, जो चावल की गुणवत्ता है वो बराबर है KN3 के बराबर, या जो देसी काला नमक या किसान के पास जो रहती है उन प्रजातियों के बराबर, और किसान की आमदनी दुगनी हो रही है, खाने वाले की बाँछें खिल रही हैं। कारण है कुछ तो जानते हुए और कुछ न जानते हुए भी खा रहे हैं। जानते हुए जो खा रहे हैं वो तो कहते हैं ठीक है, हम जो हैं शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, डॉक्टर ने हमको मना कर दिया चावल खाने के लिए। हम लोग उसको कहते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 और 52 के बीच में है, आप इसको खाइए, खूब खाइए, ये शुगर फ्री है। बुलंदशहर में सरकारी मशीनरी ने जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया, तो वहीं बुलंदशहर पुलिस जिंदा युवक का मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रही है, जिसके बाद बुलंदशहर के देवीपुरा निवासी युवक ने गले में तख्ती डाल ली और मृत्यु के इंतजार में जिंदा हूं कहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी के बाबू और कोच पर आरोप लगाया। पीड़ित ने कहा कि बाबू ने मेरी पत्रावली गायब या चोरी करा ली है और मुझे मृत घोषित कर दिया है। बुलंदशहर के विधानसभा सिकंदराबाद के देहात में घटौली की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने औचक निरीक्षण किया। दरअसल सिकंदराबाद के देहात गांव अंधेले में राशन डीलर द्वारा घटौली की जा रही थी। वही निरीक्षण में रजिस्ट्रों की बारीकी से जांच पड़ताल होने पर कई कमियां मिली। एचएम एक युवक को पकड़कर किडनी निकालने के आरोप में तालिबानी सजा दी गई, जहां युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। दरअसल युवक पर किडनी निकालने वाले गिरोह के साथ संबंध रखने का आरोप है। मुझे भैया पीछे चार इंसान ने उठाया, गाड़ी लगी थी। कहाँ से उठाया था आपको? जी आपको कच्ची रोड पे है ना, आउट एरिया पड़ जाती है बिल्कुल, ठीक है। शाम 7 बजे की बात है भैया, ठीक है। 7 बजे 8 मिलता नहीं मुझे, रात पे आता हूँ। कहाँ से आ रहे थे आप? कच्ची साइड में, जहाँ आदमी चौक पर काम करते हैं ना,
चौपाल में लिया था, कौन सी पीजे में, कौन सी जेल में लिया था। मामला जी हुआ है इसकी साफ कटनी निकाल ली है। कौन लोग थे जिन्होंने निकाली है? जी था, इसका नाम है वो रॉकी, रॉकी है और इसके साथ और भी हैं, इसके साथ और भी। तो ये कहाँ से आपको इसको उठाया था तुम्हारे भाई को? जी यहीं से, ये टाइम से उठा है। किस जगह से? जी नहीं मालूम किस जगह से उठा है। तो कल यानी 21 मार्च को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भगीपुर में एक व्यक्ति को पकड़कर और उसको बंधक बनाने का वीडियो वायरल हुआ। उस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि भगीपुर का एक युवक अपने साथी जो पड़ोस के मोहल्ले का रहने वाला था उसके माध्यम से फेसबुक पर आने वाले विज्ञापन के आधार पर ऑनलाइन किडनी डोनेशन के एक ग्रुप को संपर्क किया। ये बात है फरवरी 2022 की और 15 फरवरी 2022 के बाद फिर 23 फरवरी को यह जो पीड़ित है इसमें जिसके किडनी का निकालना बताया गया है वो विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से यहाँ से रिजर्वेशन जो हॉस्पिटल के लोगों द्वारा कराया गया उसके द्वारा वहाँ पर गया। वहाँ पर 10 दिन एक होटल में रुकने की बात अभी प्रकाश में आई है और उस पर वहाँ से 24 लाख रुपए का एक चेक उसको दिया गया। चेक का पेमेंट नहीं हो पाया, पेमेंट है तो उसे लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ में एक होटल में उसको 8 दिन रोका गया। एटा में कांस्टेबल ने फांसी के फंदे पर अटक कर खुदकुशी कर ली। वहीं कांस्टेबल के सुसाइड के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं आरक्षी की मौत की जानकारी पर एसपी उदय शंकर सिंह ने थाने जाकर मृतक के रूम का जायजा लिया। ये पूरा मामला एटा कोतवाली देहात थाने परिसर का। बीती रात्रि में हमारे एक साथी जवान जो वर्ष 2021 बैच के आरक्षी है कोतवाली देहात में नियुक्ति थी, रात्रि में 1:30 बजे अपने परिवार के किसी सदस्य से उनकी बात भी हुई और रात्रि में सुबह 4 बजे से 1:30 बजे के मध्य किसी समय जबकि उनके साथी ड्यूटी पर थे और उसी समय पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेने का तथ्य प्रकाश में आया है। जानकारी पर प्रारंभिक छानबीन से ये ज्ञात हुआ कि थाना परिसर में एक रूम है जिसमें 3 आरक्षी रहते रहे। 2 आरक्षी ड्यूटी पर गए थे। सायंकाल इस साथी आरक्षी द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत कुछ अस्वस्थ है जिसके कारण ड्यूटी पर जाने से उसने माफ़ी देने की बात संबंधित प्रभारी उपनिरीक्षक को बोली। फरुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर जमकर चला। जो नाली के ऊपर जाल हुआ, नाली के ऊपर जाल हट जाए और लेकिन कर रहे हैं जो मतलब जो आखिर अंदर दुकान चौधरी तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बस लाल इसके लिए नाराजगी। किन किन लोगों ने नाराजगी की है? किन किन लोगों ने नाराजगी की है? अनुपम रसोगी की दुकान है, के की दुकान है और श्याम कपूर की दुकान है, इनके अंदर चले गए और हमारे दुकान है इसके अंदर सदर टूट गया है, चौथा टूट जाएगा तो सदर उठाने को चोर उठाने में उन्हें आराम मिलेगी जिससे जो है आर्थिक नुकसान हो सकता है। मजिस्ट्रेट से आपने बात नहीं की, वो क्यों तोड़वा रहे हैं? सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि नाली के ऊपर कोई हम नहीं रखना चाहते, नाली के ऊपर चौथे सुने नाली के अंदर जो है। ये तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है फिर नाली के ऊपर से चौथे सोने चाहिए नाली के ऊपर। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वेट के पास 10 अप्रैल को बाबूराम पुत्र ओम प्रकाश की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद पुलिस और एसओजी ने मामले की खोजबीन शुरू की जिसके बाद आज मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले में 2 आरोपी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। देखिए दिनांक 10/4/22 को एक वेट गाँव के पास नहर की पटरी थी उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी जिसकी शिनाख्त हुई थी बाबूराम पुत्र ओम प्रकाश जो अमरोहा हजनपद के रहने वाले थे। इसमें जो ये मर्डर था उसमें पुलिस के द्वारा और एसओजी टीम जो सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा
सीसीटीवी फुटेज और इस पर काम किया गया, जिसमें दो बाइक पहचान में आई थी, जिसमें एक बुलेट बाइक थी और एक स्प्लेंडर बाइक से चार लोग जाते हुए दिखे। उसमें फर्दर डेवलपमेंट पे ये निकल के आया कि चार व्यक्ति थे वो वहाँ से निकल रहे थे और इनका जो रोड में साइड देने को आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें कि जो एक इसमें प्रदीप नाम का था व्यक्ति, जो कि एक आर्मी में कश्मीर में पोस्टेड है, इसके पास एक सर्विस रिवॉल्वर, इसकी रिवॉल्वर थी जो कि लाइसेंसी है, वहीं से इसने लाइसेंस बनवाया हुआ है। जौनपुर पुलिस और साइबर सेल ने अंगूठे के क्लोन बनाकर जालसाजी करने वाले गिरोह का गिरफ्तार किया है और जालसाजी द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर पिछले एक महीने के अंदर 6 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। मैं फिनो की आईडी चलाता था अपने गांव में घर पे, और सर इनसे मुलाकात हुई तो क्या नाम है इसका, इनका मोहम्मद इरफान। मुलाकात हुई फिर क्या हुआ? मुलाकात होते होते सर इन्होंने एक दिन कहा कि मेरे वक्रकांगी की आईडी 2 महीने से बंद है, आप अपनी आईडी दीजिए, मुझे यूज करना है। सर मेरी आईडी अपने में लॉगिन किए थे, एक अपने फ़ोन में आईडी लॉगिन करके पैसे जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे अपने खाते में मंगा लेते थे अपने पत्नी के। ट्रांजैक्शन किसके खाते में जाता था पहले? पहले मेरे खाते में, पहले मेरे खाते में आता था, फिर ये फ़ोन करके अपने पत्नी के खाते में मंगवा लेते थे। हमारे पास इनकी आईडी चल रही थी और जिससे मतलब कि कुछ थोड़ा फ्रॉड हुआ है और वो इनके खाते में जाता, उसके बाद हमारे पत्नी के खाते में आता था। थोड़ा सा लालच के चक्कर में हम गलत काम के दिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, वैसा काम नहीं करेंगे। क्लोनिंग कैसे करते सर? क्लोनिंग का सर आइडिया हमको फिलहाल सर नहीं है, लेकिन गलती हमसे हुई है सर। हमारे साथ यही हुआ था कि बैंक से 18 तारीख को पैसा 10,000 रुपया निकाल लिया गया। हम लोग मोबाइल कोर्ट में रहते हैं तो साइलेंट रखते हैं, मैसेज देखे नहीं। फिर रात में मैसेज देखे तो सुबह बैंक गए, तो पता चला कि फिर से 10,000 रुपया निकल गया, कुल मिला के 20,000 रुपया निकाल लिया गया है। ये जनपद जौनपुर में एक बड़ा क्राइम किया जा रहा था, जो काफ़ी समय से इसमें साइबर की टीम और सर्विलांस स्वाट की टीम लगी हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। मैनपुरी में अंतर जनपदीय चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने 5 चोरों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी आसपास के जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। अंतर जनपदीय गैंग है, जो कि पिछले नवंबर में सर्विलांस टीम के द्वारा इसको ट्रैक करके जेल भेजा गया था। ये गैंग कुछ ही दिनों के बाद न्यायालय से जमानत पर बाहर आ गया और इसने कुरावली से लेकर के और विभिन्न थाना क्षेत्रों में, किसनी में, कुरावली में, इसके अन्य जनपद इटावा में और औरैया में इसने तमाम चोरियां कारित की। तो वहां की भी टीमें पीछा कर रही थी, हमारी भी टीम इसमें जो है तो नज़र रख रही थी। उसी क्रम में ये फिलहाल अभी 5 बदमाश, समरुद्दीन है ये इटावा का रहने वाला है, मोहम्मद अफ्तार है ये भी इटावा का रहने वाला है, रिंकू ये औरैया का रहने वाला है, सलीम खां ये इटावा चक्र नगर इटावा का है और शरीफ खां बकेवर की दवा कराने वाला है। इन सभी पर 10 से 15 मुकदमे पूर्व के थे और लगभग 8 चोरियों का खुलासा हुआ है। देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी संख्या में मसले है, ज्वेलरी, कैश, तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। हमारी सर्विलांस की टीम और साथ में थानों की टीमें इसमें लगी हुई थी, किसनी, और साथ में एक चोरी जो पिस्टल एक और पुराली क्षेत्र में पिछले दिनों गायब हो गई थी, उस जो नंबरी पिस्टल थी इसको भी बरामद किया गया है। ये एक ब्रास बैंड पार्टी बना करके ये गिरोह काम करता था और ये पूरे अभी इसके पूरे सदस्य उनकी तलाश जारी है, टीमें रवाना है। पूरा का पूरा गैंग एक तरह से बैंड पार्टी के रूप में जाता था और चोरियाँ करता था, इसके बाद वहाँ से चल देता था। एक इनकी गाड़ी भी बरामद हुई है मारुति, इस पर ये मूव करते थे ट्रेस और एक लोकेशन लेकर। रानीखेत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रानीखेत पहुंचे। रानीखेत पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चाहे अल्मोड़ा जाए रोड है, आज से 9 महीने पहले आपदा में टूटी थी, जैसे जहाँ जो मलबा पड़ा था, जो पत्थर जहाँ पड़ा हुआ था वैसे ही पड़ा हुआ है। टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट का सीजन है, हमारे होटलियर्स पहले ही कोरोना के टाइम में टूटे हैं, उनका बिजनेस नहीं चला है। आज इन सड़कों के हालात की वजह से भी टूरिस्ट आने से बच रहा है और बहुत परेशानी का सामना कर रहा है, बहुत गंदा इंप्रेशन लेके टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं। तो सरकार को इनमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। विद्युत कटौती जिस तरीके से कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी,
10 करोड़ रुपए की प्रत्येक दिन खरीदने की बात करें तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में आपने करीब 20 दिन पहले विद्युत के जो है दाम बढ़ाए हैं, पानी के दाम बढ़ाए हैं, और ये जो आप बिजली प्रदान करेंगे तो उसका आप धन वसूलते हैं। सिद्धार्थनगर में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। ये पूरा मामला चिल्हे बर्डरपुर गांव पर बोकनोर गांव का बताया जा रहा है। और दोनों भारतीय सूर्यदेव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने कहा, जो बुलडोजर चल रहा है लेकिन वो गरीबों पर चल रहा है, जबकि बड़े माफिया और बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर नहीं चल रहा। देखिए, बुलडोजर उन माफियाओं पर नहीं चल रहा है जो वाकई में माफिया हैं। माफिया तो पूरी तरीके से आराम से एसी में रह रहे, बुलडोजर उन लोगों पर चल रहा है। जैसे अभी आप बहुत से ऐसे, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था एक अखबार में कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कार्यालय और उनके विद्यालय तक जो है सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, उन पर बुलडोजर नहीं गिरेगा जाके, ना ही उनको गिराने का काम करेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और नेता हैं। बुलडोजर गरीब जो अपनी रेड़ी लगाने वाला है, कोई छोटा सा काम करने वाला है, उसके घरों पर ये भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। कुशीनगर के नेबा नरंगा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 51 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।